गरियाबंद में समर्थन मूल्य खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त हो गया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश के बाद ओडिशा सीमा से लगे देवभोग और अमलीपदर तहसील में प्रशासन ने धर पकड़ तेज कर दी है। वहीं आज देवभोग ओडिशा सीमा में राजस्व अमला ने ओडिशा से आ रहे 3 पिकअप समेत 140 बोरा धान जब्त किया है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह में राजस्व अमले ने अब तक 1,000 बोरा अवैध धान की जब्ती की कार्रवाई की है। केकरा जोर में अभी सूचना मिली है और मैं यहाँ तो जितने भी चेक पोस्ट बने हैं अमलीपदर एरिया में वो सबको एक बार निरीक्षण करके देखूँगा कि चेक पोस्ट सही रूप से संचालित है कि नहीं, और जहाँ भी धान खरीदी से संबंध में इलीगल धान आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। ग्राम केकरा छोड़ तहसील अमलीपदर में सूचना मिलने पर हमने यहाँ पर कार्रवाई की है। यहाँ पर हमको लगभग 170 और 250 बोरी कुल आपके हो गए, आपके 400 लगभग बोरी हमको अवैध धान मिला है।